उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 15 दिनों से 41 मजदूर फंसे हैं। इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए शुक्रवार से बंद पड़ा रेस्क्यू वर्क रविवार को एक बार फिर शुरू हो गया है। सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया गया है। पूरा अपडेट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ हिमांशी पांडे। 15 दिनों से 41 मजदूरों की सांसें सुरंग में अटकी हैं। उन मजदूरों के साथ साथ उनके परिजनों का भी बुरा हाल है। हर कोई मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। कोई चूक ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए बहुत ही फूंक फूंक कर कदम भी उठाए जा रहे हैं। तकनीकी तौर पर हर तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। ऑगर मशीन में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, ड्रिलिंग में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, जिससे राहत के काम में लगातार बाधा पहुंच रही है। दरअसल मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले अमेरिकी ऑगर मशीन की ब्लेड्स टूट गई हैं। इस वजह से रेस्क्यू को रोकना पड़ा था। इसके बाद मशीन के बजाय मैनुअल ड्रिलिंग कराने का फैसला लिया गया और ये ड्रिलिंग भी वर्टिकल होगी। मैनुअल ड्रिलिंग से पहले ऑगर मशीन के फंसे हुए शॉफ्ट और ब्लेड्स को निकालने का काम शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मशीन के टुकड़े सावधानी से नहीं निकले तो इससे सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन टूट सकती है। इसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। साथ ही टनल में फोन की लैंडलाइन भी डालने जाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि इसके जरिए मजदूर अपने परिवार से बात कर सके। इसी बीच सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू करने के लिए भी तैयारियां तेज कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक इस पर काम शुरू हो सकता है। इस काम को सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड अंजाम देगा। हालांकि इसमें काफी खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि नीचे टनल में मजदूर है, ऊपर से बड़ा होल कर नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया जाएगा। इसमें काफी मलबा गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। इसमें भी कितना वक्त लगेगा ये भी अभी तय नहीं हुआ है। दरअसल 21 नवंबर से सिलक्यारा की तरफ से टनल में हॉरिजेंटल ड्रिलिंग की जा रही थी। इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। 60 मीटर के हिस्से से 47 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका है। मजदूरों तक करीब 10 से 12 मीटर की दूरी रह गई है, लेकिन शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिया आ जाने से ड्रिलिंग मशीन की शॉफ्ट में उसमें फंस गई। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। अब मशीन से और प्रेशर डाला जाएगा तो शॉफ्ट टूट जाएगा। इसका कुछ हिस्सा तोड़कर निकाला गया है, लेकिन बड़ा हिस्सा अभी भी वहां अटका हुआ है। इसे मैनुअल ड्रिलिंग से निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद फिर आगे की खुदाई की जाएगी। दरअसल इस वक्त पाइप में एक ही व्यक्ति जा सकता है और खुदाई कर सकता है, इसलिए ऐसा करने में काफी समय भी लग सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।